नमस्कार साथियों, चलिए 24 अगस्त 2022 को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट सीटिंग का, उसका जिस क्वेश्चन हम करेंगे फर्स्ट सीटिंग का, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं। देखिए तो पौधे जो होता है आपको पत्ती में स्टोर करता है। एक जो होता है आपका वैक्यूल्स, मतलब किसको बोलते हैं, रसधानी बोलते हैं, वैक्यूल्स में करता है यानी कि रसधानी में करता है। दूसरा जो होता है जाइलम जो आपको जो जल का परिवहन करता है। एक होता है आपका फ्लोयम जो होता है आपका खाद्य पदार्थों का संग्रहण करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी कि विभिन्न भागों से संग्रहित कौन करता है, तो एक हो जाएगा आपका पत्ती, दूसरा आपका रसदानी और तीसरा आपका जाइलम। तो जाइलम देखिए किस में है, जाइलम आपका है 4 नंबर ऑप्शन में है, रसदानी है, पत्ती। तो सही आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 13 नंबर बोल रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा समय दर्पण के आवर्धन में संबंधित सही है। देखिए तो एक होता है आपका मिरर यानी कि दर्पण में जो आवर्धन का बात करें तो दर्पण में जो आवर्धन होता है आपका -V/U होता है। एक होता है आपका लेंस में जो आवर्धन का बात करें तो लेंस में आपका जो आवर्धन जो होता है आपका V/U होता है। तो जो आवर्धन का जो मान होता है आपका वो जीरो से बड़ा और एक के छोटा इसी के बीच में रहता है, 0 से 1 के बीच में आपका ये रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका दिया हुआ है जो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया संभव होगी। देखिए तो अभिक्रिया इसमें कौन सा आपका संभव होगी, देखिए होता है आपका कैल्शियम, और कैल्शियम जो होता है ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, नहीं दूसरों को विस्थापित करता है। ऑप्शन नंबर 4 को देखा जाए तो यहाँ पे होता है कॉपर सल्फेट को कैल्शियम से अभिक्रिया कराया जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट और कॉपर यानी विस्थापित का मतलब ज़्यादा अभिक्रियाशील है कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का हिस्सा नहीं है। यौन चरण के यानी कि विकास का हिस्सा नहीं है। फर्स्ट में दे रहा है मासिक धर्म जो आपका ये मतलब यौन के विकास का हिस्सा है। मोटापा दे रहा है, दूसरा मतलब आवाज़ का बदलना, एज जैसे बढ़ता है उसका आवाज़ का बदल जाता है, मुहासे का आना। तो आपका फर्स्ट सही है, दूसरा सही है, तीसरा का हमको गलत का चूज करना है। तो मोटापा जो होता है यौन के विकास से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में जैसे देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन लिखे तो होता है क्या, 2CaOH का होल ट्वाइस, इस पर जो होता है क्लोरीन का जब अभिक्रिया कराया जाता है, तो उत्पाद के रूप में आपका बन के आता है ब्लीचिंग पाउडर देता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl का होल ट्वाइस आप प्लस आपका कैल्शियम क्लोराइड भी देता है, और उसके बाद ये आपका जल देता है प्लस H2 हो जाता है। तो यही जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ये वाला जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर है, जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराया जाता है तो आपका ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो सही ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। देखिए ऑक्सीजन के अपर्याप्त स्थिति में जलाए या अर्ध जला जलाए ठीक, मतलब पूरा वो जले नहीं, तो वहाँ से जो निकलता है आपका CO निकलता है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का कहे तो कौन सा गैस निकलेगा, तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 34 नंबर निम्नलिखित में से किस मामले में वृत्ताकार कुंडली संयुक्त गैल्वेनोमीटर धारा आपके दर्ज करेगी। देखिए कोई भी आपका कुंडली या वृत्ताकार, तो इसके मतलब कुंडली के पास स्थिर रखा जाएगा तब भी मतलब विद्युत धारा उत्पन्न होगी या इससे दूर जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन बोल रहा है कि जब किसी चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखा जाता है तो ये आपका सही है। दूसरा बोल रहा है कि चुंबक के पास ले जाएंगे तो नहीं, इससे नहीं होगा, दूर ले जाएंगे तब होगा। तो ऑप्शन 1 और 3 देखिए किस में, 1 और 3 आपका फर्स्ट में दिया हुआ है, यही आपका सही आंसर होगा। 43 बोल रहा है कि प्रोपेन के 3 कार्बन परमाणु द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणु को कुल कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर। देखिए सबसे पहले आपका
प्रोपेन का फॉर्मूला का होगा, C3 हो जाएगा, कार्बन 3 हो जाएगा, आई जो हो जाएगा आपका C3N, 3 × 6 = 8 हो जाएगा, मतलब CnH2n+2 हो जाएगा। इसी को इसको सजाया गया, प्रोपेन का ही फॉर्मूला होता है। तो इसमें हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी किया था, हाइड्रोजन आपका 8 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी बॉन्ड बनाया, ठीक। तो कार्बन के साथ, ठीक, तो आपका सही आंसर आपका 8 हो जाएगा। कार्बन बोलेगा था, कार्बन 3, हाइड्रोजन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पौधे को ऊर्जा प्राप्त के लिए कम, यानी कि ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, तो ऊर्जा कम आवश्यकता क्यों इसलिए पड़ती है क्योंकि उनमें अधिकतम मृत कोशिकाएं होती है। ये ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सिलेक्टेड ऑप्शन ऑफ द सो द करेक्ट मैचिंग, यानी इसको मिलान कराना है, फर्स्ट से कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलान कराना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 का सही इसका मिलान कराना है। तो देखिए, चलिए मिलान कराते हैं। तो फर्स्ट में बोल रहा है कि लिस्मेनिया, तो लिस्मेनिया क्या करता है, लिस्मेनिया में जो होता है आपका ये बाइनरी विखंडन होता है, बाइनरी विखंडन होता है। उसके बाद बोल रहा है ईस्ट, ईस्ट में क्या होता है, तो ईस्ट में जो होता है आपका, ईस्ट में जो होता है आपका बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग BUDING, ठीक, बॉन्डिंग होता है। उसके बाद है आपका प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम में आपका मल्टी आपका फ्यूजन देखने को मिलता है, मल्टीपल फ्यूजन को। उसके बाद हाइड्रा क्या करता है, तो हाइड्रा जो आपका पुनर्जनन का काम करता है, यानी रीजेनरेशन का काम करता है। तो देखिए, आप रीजेनरेशन आपके किस में है, तो हाइड्रा का एक होगा, तो आपका पहला में है, पहला में, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। और किसी में नहीं है तो 3 गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो इसका खोज जो है तो माइकल फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया, तो माइकल फैराडे ने किया था। 3 नंबर आपका सही आंसर। अल्बर्ट आइंस्टीन का बात करें तो इन्होंने दिया था E=mc². न्यूटन का बात करें तो इनका पूरा फिजिक्स जिन्होंने आपका गति के नियम को बताया था, ठीक, गति का नियम दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 52 नंबर बोल रहा है कि एक उत्तल दर्पण का वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बना रहा था, वस्तु की स्थिति मतलब कहाँ होगी, तो एक वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बना रहा है। देखिए, तो ये होता है आपका उत्तल लेंस दिया है, तो ये उत्तल लेंस हो गया, इसको मुख कोश हो गया, ये हो गया आपका फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, 2F हो गया, इधर हो गया F1 हो गया, ये हो गया F2 हो गया। अनंत पर वस्तु रहेगा तो आपका फोकस पर बनेगा, अगर अनंत पर हम वस्तु को रखते हैं अनंत पर, तो फोकस पे बनाएगा, पहला केस हो गया, पहला केस हो गया। अनंत और यानी कि वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, यानी कि दूसरा केस, तो दूसरा केस आपका यानी कि इस साइड में F और 2F के बीच में बनाएगा, ये आपका दूसरा केस हो गया। उसके बाद वक्रता केंद्र पर रखते हैं तीसरा केस में, ये आपका इधर भी वक्रता केंद्र पर बना देगा, बराबर बना देगा तीसरा। उसके बाद बोल रहा है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, तो आपका अनंत और फोकस के बीच में बना देगा, ठीक, ये चौथा केस हो गया। उसके बाद वो अगर फोकस पर रखते हैं तो ये आपका अनंत पर बना देगा, पांचवा केस हो जाएगा, जो बहुत बड़ा बनाता है। उसके बाद आपको बोल रहा है मुख अक्ष फोकस के बीच में रखते हैं, तो ये दर्पण के इसी साइड बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6 नंबर केस में बन जाएगा, ठीक। तो वो इसमें बोल रहा है कि वास्तविक होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव साइड में होना चाहिए, और उल्टा भी हो और छोटा भी हो, तो उल्टा तो वास्तविक उल्टा सीधा सब बनाता है, बट इसमें चाहिए आपको छोटा, तो छोटा कहाँ बनेगा, तो छोटा आपका फोकस पर बनेगा। तो कहाँ पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, यानी कि 2F से दूर हम रखेंगे तब जाके मेरा फोकस पर बनेगा, सही ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट बोल रहा है कि व्हाट विल बी एंगल इंसिडेंट, यानी कि आपतित किरण लाइट रिएक्शन, देखिए कोई भी बोल रहा है कि जैसे लेंस दर्पण है कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल दर्पण का बात कर रहा है, ठीक। तो कोई भी दर्पण इसका मुख अक्ष है, मुख अक्ष के किरण जो आ रही है आपतित किरण, तो उसका बोल रहा है एंगल कितना होगा, तो उसका एंगल आपका 0° हो जाएगा, 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका निम्नलिखित में कौन सा उदासनीकरण अभिक्रिया, देखिए सबसे पहले उदासनीकरण अभिक्रिया कहाँ मतलब कैसे निर्मित होता है, जब भी आपका प्रबल जब अम्ल क्षार प्रबल अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है प्लस प्रबल क्षार से अभिक्रिया करेगा, तो आपका जो होगा उदासनीकरण अभिक्रिया का निर्माण होगा, ये जो होता है आपका उदासनीकरण है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। तो प्रबल अम्ल में कौन सा हो जाएगा, तो प्रबल अम्ल में आपका HCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा आपका, उसके बाद HNO3 हो जाएगा,
HNO3 हो जाएगा। परवल क्षार में कौन सा आएगा, तो परवल क्षार में आपका KOH हो जाएगा, उसके बाद आपका KOH NaOH आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए तीनों ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें आपका परवल अम्ल और परवल क्षार का, तो तीनों ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर के अकॉर्डिंग आपका 3 नंबर सही आंसर जाएगा, क्योंकि परवल ये भी आपका NaOH परवल अम्ल है, उसके बाद HCl परवल परवल अम्ल है, NaOH परवल क्षार है, HNO3 परवल अम्ल है, KOH परवल क्षार है, HCl परवल अम्ल है, NaOH परवल क्षार है। तो ये सब आपका परवल अम्ल परवल क्षार अभिक्रिया करेगा तो उदासीय अभिक्रिया देगा, तो आपका तीनों ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है। देखिए एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, अयस्क क्या कहते हैं जिससे उस पदार्थ को निकाला जाता है, ठीक, जैसे अयस्क से एल्युमिनियम को निकाला है, तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा होता है, आपका बॉक्साइट होता है, ठीक, सही आंसर आपका यही। उसके बाद बोल रहे हैं मोनेजाइट, मोनेजाइट किसका अयस्क है, तो थोरियम का ही आपका अयस्क है। उसके बाद हेमाटाइट और सीडराइट, ये जो दोनों जो है आपका लोहा का अयस्क है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तत्व के रासायनिक गुण के अध्ययन से मेंडलीव किन दो तत्वों के यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। देखिए मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दिए थे उन्होंने हाइड्रोजन का निश्चित स्थान उन्होंने नहीं दे पाया था, हाइड्रोजन का, तो उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ज़्यादा फोकस किया था, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर बेंजीन का सही संरचना बताने के लिए बोला, तो बेंजीन का जो सही संरचना आपका हो जाएगा इसमें, बेंजीन का सही संरचना इसमें आपका 4 नंबर हो जाएगा, ठीक, बेंजीन का इसमें सही संरचना 4 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका 74 नंबर बोल रहा है कि आपका 2.5 माइक्रो एम्पियर की एक धारा है, ठीक, दो रेसिस्टेंट किसी चालक से प्रवाहित तो होती है, तो उसको विभवांतर के दोनों के बीच में विभवांतर कितना होगा यही बताना, ठीक है। तो इसमें कितना धारा दे दिया, रेसिस्टेंस दे दिया, तो भी बराबर कितना होता है, भी बराबर आपका IR होता है, ठीक, तो 2.5 × 2, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 5, और इसका यूनिट यानी कि माइक्रो एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया हुआ है वहीं आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। ओम का ये जो नियम है, ओम का नियम है, उसी पर ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर बोल रहा है शक्ति की इकाई कौन सी नहीं है, शक्ति के सबसे पहले शक्ति की इकाई हम जान लेते हैं कौन सा, तो शक्ति के जो आपका ऐसा इकाई होता है आपका वाट होता है, वाट होता है, शक्ति की इकाई जो होता है आपका वाट होता है। उसके बाद बोले शक्ति का जो होता है व्यवहारिक मात्रक, व्यवहारिक मात्रक, या बोले बड़े उद्योग के मात्रक, बड़े उद्योग जैसे होता है आपका व्यवहारिक मात्रक, या बड़े यंत्र बोल दे, बड़े आपका यंत्र बोल दे, बड़े यंत्र, तो उसका मात्रक कौन सा हो जाएगा, बड़े यंत्र का मात्रक आपका हो जाएगा, बड़े यंत्र बोल दे, उद्योग बोल दे, उद्योग को बोल दे, तो इस सबका जो मात्रक होता है आपका HP होता है, यानी कि हॉर्स पावर होता है। उसके बाद बोले शक्ति का जो मात्रक बोल दे आपका जैसे बहुत बड़े यंत्र, बहुत बहुत बड़े यंत्र का बात कर दे, तो इसका हो जाएगा किलोवाट हो जाएगा, ठीक। देखिए शक्ति का मात्रक ऐसा ही मात्रक आपका वाट हो जाएगा, व्यवहारिक मात्रक बड़े यंत्र या उद्योग का बोल दे तो हॉर्स पावर हो जाएगा, बहुत बड़े का बोल दे तो आपका किलोवाट हो जाएगा। देखिए तो इसमें जूल सेकेंड, जैसे P बराबर शक्ति बराबर जो होता है W/T होता है, कार्य बटा समय, तो कार्य का होता है जूल, समय का होता है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड तो आपका हो जाएगा किलोवाट घंटा। एक अश्व शक्ति किसका मात्रक होता है, व्यवहारिक मात्रक, बड़े यंत्र का मात्रक और उद्योग का मात्रक होता है, तो ये भी आपका हो जाएगा ऐसे ही मात्रक वाट होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है किलोवाट घंटा नहीं होता है इसका, तो नहीं होता है, तो यहीं आपका आंसर हो जाएगा किलोवाट होता है, किलोवाट घंटा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जिसकी आवर्त सारणी स्थिति असंगत को गलत कथन का चूज करना, ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब क्षार धातु के समान है, क्षार में कौन होता है, आवर्त सारणी में जो होता है आपका फर्स्ट ए और सेकंड ए होता है, क्षारीय धातु होता है, लेकिन द्वि परमाणु के रूप में मौजूद है, द्वि परमाणु के रूप में मौजूद भी अभी बोल रहा है कि जो तीसरे संबंध में सोडियम के बाद कौन आता है, तो मैग्नीशियम आता है, तो मैग्नीशियम देखिए किस में दिया हुआ है, तो मैग्नीशियम केवल आपका एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है 4 नंबर, तो यहीं आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक उदासीकरण अभिक्रिया का अनुमान लगाइए जिससे लिथियम सल्फेट और जल का निर्माण होता है। तो उदासीकरण अभिक्रिया आपका परवल, हमारा परवल छाड़ देगा। तो देखिए आप, हमको सल्फेट भी चाहिए, तो सल्फर किस में है? देखिए पहला में तो है नहीं सल्फर, दूसरा में है और आपका थी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिथियम, तीसरा में भी नहीं है, चौथा में। तो उसके बाद बोल रहा है जल चाहिए, तो जल किस में आएगा? सल्फेट आपका जब एच, उसके बाद बोल रहा है कि सल्फेट, सल्फेट आपका आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल लिथियम कार्बोनेट लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए लिथियम कार्बोनेट जो होता है आपका CO3 होता है, यहाँ से तो जल ना आएगा, हाइड्रोजन चाहिए हमको, तो ये होता हाइड्रोक्साइड OH। तो इसको जो चार नंबर को सल्फ्यूरिक अम्ल को लिथियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया कराएंगे तो हमको आपका लिथियम सल्फेट और जल का निर्माण हो जाए। सही ऑप्शन आपका ये चार नंबर हो जाए।